बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में, और आज भी हम आपको बताएंगे कानून के हवाले से बहुत सारी बातें, ताकि आप कानून के हवाले से बहुत कुछ जान सकें और अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। कानून के हवाले से आगाही बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। एडवोकेट लियाकत अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आए हैं, और ये है डाइवोर्स के हवाले से, मतलब तलाक के हवाले से। लोग अक्सर इस नाम, इस लफ्ज़ को भी बुरा समझते हैं, बल्कि बुरा समझना भी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं ना, कुछ तल्ख हकीकतें होती हैं जिनको हमें फेस भी करना होता है और जिनको अपनी ज़िंदगी में अपनाना भी होता है, तो ये वो एक तल्ख हकीकत है। अच्छा, इसके हवाले से आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 10। तो बताइएगा सबसे पहले कि तलाक जो है वो क्या सिर्फ हस्बैंड ही दे सकते हैं या वाइफ भी दे सकती हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़िया, आज आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा है, और यकीनन ये जो एक मसला है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है, और इसके लिए जो ना आगाही बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि तलाक के लफ्ज़ को एक बहुत बुरा जो है ना माना जाता है। यकीनन इस माशरे के अंदर तलाक के लफ्ज़ को बिल्कुल मायूब समझा जाता है, और तलाक एक ऐसी चीज़ है कि दो ख़ानदानों को जो है ना एक जुदा कर देती है, यानी कि उनको अलहदा कर देती है और बर्बाद कर देती है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए पहले कि जो है ना तलाक से बचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं हमारे माशरे के अंदर साफ ज़रिए, जब दो इंसान कहीं पर रहते हैं तो उनके अंदर इख्तलाफात भी पैदा होते हैं, तो उस इख्तलाफात की जो रीज़न्स होते हैं उसको देखा जाता है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि पहले जो अगर कोई ऐसे कोई इशूज़ आते हैं तो उसको मिल बैठ कर जो है ना उसको हल करना चाहिए, ना कि जो है डिवोर्स की तरफ। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितनी आज़ादी है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे पास सोशल मीडिया है और साथ में जो है मोबाइल हर आदमी के पास है, फिर तरह तरह की चीज़ें जो है ना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उस पर लोग फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़े होते थे तो उसके बड़े उसके अंदर मुदाखलत करते थे और वो उस घर को बचा लेते थे। देखिए, असूलन तो है भी इसी तरह, हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि हमें जो है किस तरह से जो है घरों को बचाना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि आज कल जो लड़के और लड़कियाँ हैं या जो फैमिलीज़ हैं वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होते या बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचते हैं, और बस उसी वक्त ही जो है इस फैसले पर आ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि बचाते भी हैं, तो इसमें तो आप लोगों का भी बहुत इसमें अमल दखल होता होगा कि किस तरह से पहले डिवोर्स को बचाया जाए। क्या आप लोग पहले गाइडेंस देते हैं इस हवाले से लोगों को? जी बिल्कुल नाज़िया, हम लोगों को बिल्कुल गाइडेंस देते हैं। हमारे पास जब इस तरह के केसेस आते हैं, हमारे पास ऐसे केसेस भी आए कि जिसके अंदर जो है बच्चे होते हैं, दोनों फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं मियाँ बीवी के, अगर एक शख्स के 4 बच्चे हैं और उसके बावजूद भी वो जो है ना बीवी को जो है ना वो डिवोर्स देना चाहते हैं, तो हमारी पहले कोशिश ये होती है कि हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई आप बराए मेहरबानी अपने बड़ों को डाल के, अगर आपकी बीवी आपसे नाराज़ है या आप दोनों के दरमियान ज़हनी आमेगी नहीं है या आप दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते या कोई इख्तलाफात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मतलब जो है ना जिसकी वजह से आपके घर ख़राब हो रहा है, तो कम से कम आप अपनी औलाद के देखें। अगर आप औलाद को नहीं देखते तो आप कम से कम अपने ख़ानदान को देख लें, फैमिली को देख लें। अगर आप उस चीज़ को भी नहीं देखते तो आप बाज़िद हैं, तो कोशिश करें कि पहले जो है ना उनसे एक दफ़ा बात करें। बदलना चाहते हैं अपने आप को या नहीं? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अगर उनको समझाया जाए तो वो जो है ना समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ईगो जो होती है उससे जो है ना वो कहते हैं जी बस ये मैंने फैसला कर लिया है, मैंने इसके अंदर जो है ना इसको रिश्ते को ख़त्म करना है, मैंने किस सूरत में रखना। लेकिन उसके पीछे मैं आपको बताऊँ, जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो लड़के की माँ का होता है या उसकी बहनों का होता है। असल में लड़के का इतना ज़्यादा कसूर नहीं होता जितनी उसकी फैमिली का कसूर होता है, क्योंकि वो जो लड़की उनके घर में बहू बन के आती है तो वो उनके साथ अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाती, अगर मियाँ बीवी के दरमियान अगर अंडरस्टैंडिंग भी होती है तो उसकी जो वालदा है या जो उसकी नंदे हैं वो कोशिश करती हैं कि उसके दरमियान बिगाड़ पैदा करें, या छोटी छोटी बातों के ऊपर जो ना वो लड़ाई होती है, या शोहर काम काज नहीं करता है तो बीवी उसको काम के लिए कहती है या खर्चा मांगती है, तो उस सूरत में जो है ना ये फिर झगड़े बढ़ते जाते हैं और उसकी नौबत जो है एक तलाक के ऊपर आ जाती है। फिर ये शोहर अपना हक इस्तेमाल करते हुए उस बीवी को जो है ना वकील के जरिए एक तलाकनामा तैयार करवाता है, और वो तलाकनामा जो है उसको गवाहों की मौजूदगी में साइन करवा के उसको जो है ना वो TCS भी कर देते हैं, या फिर उसको बाई हैंड दे देता है कि भाई मैंने आपको तलाक दे दिए, और साथ साथ जो है ना वो उसको जबानी तलाक लिखने का मकसद ये नहीं है कि आपने जो है एक रिश्ते को ख़त्म करना है, आपने एक तलाक जो है वकील से बनवाई, लेकिन आपने उसको जबानी तौर पर जो है ना अनाउंस नहीं किया, आपको बाकायदा डिवोर्स डीड बनवानी है,
उसके बाद उसके अंदर जो है साइन करने हैं गवाहों के, अपने साइन करने हैं, फिर उसके बाद उसको जबानी भी कहना है। अब तलाक जो होती है उसके अंदर जबानी कहना जरूरी होता है। जी बिल्कुल, जबानी कहना जरूरी है, उसके बगैर तो आपकी तलाक नहीं हो सकती। इसी से रिलेटेड है कि तीन दफा ही तलाक जो एक एक ही टाइम में तीन दफा तलाक देना होता है, या इसको डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम कोई होता है तलाक देने का? इसमें होता तो यही है कि जो शरीयत तो ये कहती है कि अगर आप के दरमियान कोई ज्यादा रंजिशें हैं और इस तरह वो कायम नहीं रह सकते, उस सूरत में ये है कि पहले आप उसको एक तलाक दें, एक महीने के अंदर एक तलाक दें, उसके बाद फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक दें, फिर उसके बाद जो है तीसरे महीने में आप तीसरी तलाक दें। यही मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि तीन तलाकें जो हैं जिस तरह कहा जाता है, क्या वो एक ही दफा में तीन दफा तलाक कह देना होता है, या वो एक एक दफा में तलाक कहकर उसको तीन महीने के लिए उसको रुजू का टाइम जो है वो जिस तरह होता है तो वो वेटिंग टाइम भी है, क्या वो तीन महीने तक एक एक तलाक देना? मतलब ये थोड़ा सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, समझ नहीं आता कि तीन दफा एक तलाक दे देना तलाक होती है या एक एक टाइम में एक एक तलाक देना तलाक होती है। जो लोग इस्लामी तरीके से देते हैं, जो ज्यादा मजबूत होते हैं, उनको तो हमने ये देखा है कि वो एक एक महीने में एक एक डाइवोर्स भेजते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक मसला ये होता है, वो कहते हैं जी मुझे तीनों तलाक देनी है, तो जो तलाकनामा बनता है उस तलाकनामे की जो जिस तारीख को वो बनता है उसकी तारीख डाली जाती है, फिर फरीक अव्वल जो होता है वो तलाक देने वाला होता है, फरीक दोनों उसकी बीवी होती है, उसके अंदर दोनों के पार्टिकुलर लिखे जाते हैं, पार्टिकुलर लिखने के बाद उसकी डेट ऑफ मैरिज लिखी जाती है, फिर अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे लिखे जाते हैं। आप बता रहे हैं कि एक ही दफा में जो एक ही दफा में एक ही दफा में तीनों तलाक दे के उसको वो भेज देते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है कि जब वो लड़की को डिवोर्स मिल जाती है तो लड़की फिर जो है सेक्शन 71 की हमारे मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 का, उसके तहत जो है ना वो जाके यूनियन काउंसिल के अंदर एक एप्लीकेशन देती है फॉर कन्फर्मेशन ऑफ डिवोर्स जो है। अब अगर उसने शोहर ने उसको डिवोर्स दे दी तो जो तीन महीने का जो उसमें इद्दत का पीरियड होता है इसी दौरान उस तलाक को फिर यूनियन काउंसिल के पास वो जमा कराएगी, फिर वहाँ पे एक मुसालिती कमेटी होती है, वो फिर नोटिस इशू करते हैं शोहर को, उससे कंफर्म करते हैं कि आपने अपनी बीवी को डिवोर्स दी है, अगर वो लड़का वहाँ चला जाता है तो कोशिश करते हैं इनका कोई पैचअप हो जाए, अगर वो नहीं होता तो उस तलाक को वो कंफर्म करके उसका कंफर्मेशन सर्टिफिकेट जो है वो लड़की को इशू कर देते हैं। आफ्टर इद्दत पीरियड अगर वो चाहे तो लड़की अपनी दूसरी शादी कर सकती है, उस लड़के को कोई उससे कंसर्न नहीं। मतलब यहाँ पर ये तलाक होगी, कोई इसमें वापसी का कोई रास्ता होता है कि दोनों एक दूसरे से रुजू कर सकें, कोई एक टाइम पीरियड होता है? जी बिल्कुल। या एक दफा लड़के ने तलाक दे दी तो तलाक दे दी? देखिए तलाक बिल्कुल जब उसने दे दी तो उसके बाद तलाक दे दी, लेकिन जो लोग हमारे पास आते हैं हम सबसे ज्यादा पहले उनको सजेस्ट ये करते हैं कि आप ये तलाकनामा भी ले जाएं, आप जाके जो है उलमाए कराम से एक फतवा ले लें, अगर उसके अंदर वो आपको ये बात बताते हैं कि भाई जो है ना कि इसके अंदर कोई रजू का रास्ता है तो ठीक है, अदरवाइज जो फतवे के अंदर आपको, क्योंकि उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि भाई जब तलाक दे दी एक दफा तलाक हो गई, अगर तीनों तलाक यानी तलाक उसके बाद वाक़ होगी फिर वो लड़की इज्जत का टाइम गुजारेगी, उसके बाद अगर दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अगर उनके बच्चे हैं और वो दोनों एक होना चाहते हैं तो उसके लिए फिर शरी तरीका ये है कि वो लड़की जो है किसी और शख्स के साथ शादी करेगी, उसके बाद वहाँ से तलाक लेगी, तलाक लेने के बाद फिर वही प्रोसेस है कि वो तीन महीने इद्दत का पीरियड गुजारेगी, फिर जाके दोबारा जो है ना वो जाके निकाह कर सकते हैं। इस्लाम ने इसीलिए ये कड़ी शर्त रखी है कि लोगों को तलाक देने से मना किया गया है कि आपके जो मामलात हैं अपने घरों के अंदर बैठ के खुश असरूबी से उसको हल करें, ये इसलिए जो सख्त सजा रखी गई है ताकि लड़का और लड़की जो है ना इन चीज़ों से बाज रहें और तलाक का नाम नहीं लें जो ना। लेकिन मैं ये देखता हूँ अक्सर के जो है ना छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है घर तबाह हो जाते हैं, और बहुत सारे जो केसेस हमारे पास आए हमने लोगों के हल किए और उनकी तलाक हुई या मियां बीवी के दरमियान अलहदगी होगी, बाद में हमने देखा कि वो लोग पछताते हैं कि भाई हमसे इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई, अगर थोड़ा सा जो ना अगर कुछ समझाने वाला मिल जाता है या हम थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं तो ये हमारा घर टूटने से बच जाता है। बिल्कुल, जिसपे आप लोग काउंसलिंग भी करते हैं। अच्छा एक और सवाल ये कि अगर एक शख्स जो है एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एक दफ़ा तलाक देता है तो कितना टाइम पीरियड होता है कि ये तलाक जो है वो वैलिड रहती है या ये ताहियात वैलिड रहती है? नहीं देखें, अगर वो एक डिवोर्स देता है तो एक तलाक तो उसकी हो गई, ठीक है, उसके बाद भी जो है ना वो साफ ज़र मियाँ बीवी दो तलाक का हक उसके पास महफूज रहता है, वो अगर उसी दौरान अगर वो औरत नहीं रहती तो उसके पास ये भी हक है कि उसको जो है ना दूसरी डिवोर्स दे दे जो या तीसरी डिवोर्स उसको दे दे, क्योंकि एक डिवोर्स का हक तो उसने इस्तेमाल कर लिया, कि ये इसलिए है कि अगर बीवी को बीवी शोहर का कहना नहीं मानती या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है या उसके हकूक पूरे नहीं करती है, उस सूरत में यह है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका घर भी बचा रहे और थोड़ा सा जो है ना बीवी को भी सबक मिल जाए कि अगर मैं उसका कहना नहीं मानूंगी
या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी या शोहर के हकूक को पूरा नहीं करूंगी तो मे भी मुझे जो है ना फिर तलाक हो सकती है। इस सूरत में यह है कि वो एक तलाक दे के कम से कम उसको यह है कि एक नोटिस कर सकता है कि भाई आप जो है बाज आ जाएं अगर आप जो है ना अपने हकूक अपने पूरे करें और शोहर की इज्जत रेस्पेक्ट करें। अगर उसके बावजूद भी जो है ना वो बाज नहीं आती तो शोहर फिर ये अपना हक इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अच्छा हम अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खुला पर भी बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे क्या औरत को भी तलाक का हक है या नहीं है, बहुत सी बातें और होंगी ब्रेक के बाद। लेकिन हम उस हमारे पास एक सेगमेंट ऐसा भी है जिसमें आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, तो नंबर हमारा स्क्रीन पर चल रहा है, आप अपना सवाल जो है सोच के रखें, तो जैसे हमारा सेगमेंट आएगा कॉलर्स का उस वक्त हम आपकी कॉल्स लेंगे। अभी फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। जी खुश आमदीद एक बार फिर नाज़रीन, और फैज़ की अदालत में आज जो हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर वो है तलाक। और अभी हमने बात की थी तलाक के हवाले से कि जब मर्द जो है वो तलाक जो है औरत को देता है तो किस तरह से दे सकता है, कानूनन क्या क्या जो है वो पेपर वर्क होते हैं वो सब आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि एक तो तलाक तफवीज़ क्या है और उसके तलाक तफवीज़ क्या है और साथ में खुला, इन दोनों के हवाले से क्विकली बता दीजिए। देखें तलाक तफवीज़ जो होता है निकाला में के अंदर एक कालम होता है खास शरायत का कि क्या आया शोहर ने अपने बीवी को तलाक का हक तफवीज़ कर दिया है। इसका मकसद यह है कि जिस तरह शोहर जो है एक डिवोर्स देता है अपनी बीवी को कि मैं अपनी बीवी मुसम्मात फलां दुख्तर फलां को तलाक देता हूँ, इसी तरह अब अगर यह है कि शोहर बीवी पे जुल्म करता है तशद्दुद करता है या अगर लड़की को शोहर पसंद नहीं है तो बीवी के पास भी यही है कि इख्तियार शोहर ने उसको मुंतकिल कर दिया या तफवीज़ कर दिया ट्रांसफ़र कर दिया कि वही अल्फाज जो अल्फाज शोहर कहता है बीवी को वही अल्फाज जो है बीवी शोहर के कहेगी कि मैं फलां वल्द फलां को जो है तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तीन दफा वो कहेगी तो उसे वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके कानून के बनेंगे जो है ना वो तलाक उसे मिल जाएंगे और जो है ना वो शोहर से अलहदा हो जाएगी। सही है। अच्छा जहाँ तक आपने खुला की बात की है कि अब अगर किसी निकाहनामे के अंदर शोहर ने अपनी बीवी को तलाक का तफवीज नहीं किया और उसका शोहर बहुत जालिम है और उसको जो है वो खर्चा नहीं देता है, उसको घर में नहीं रखता है, उसको परेशान करता है, उस सूरत में बीवी के पास ये इख्तियार है कि वो फैमिली कोर्ट जो हमारी होती है उसके अंदर जो है शोहर के खिलाफ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला, यानी खुला जो है वो अदालत के जरिए शोहर के खिलाफ केस करके ले सकती है। उस सूरत में उसको जो है ना वो हक मेहर अपना माफ करना पड़ेगा। अगर वो हक मेहर ले चुकी है तो वो रिटर्न करना जमा करेगी शोहर को देगी, या फिर यह है कि जो है नहीं लिया उसने तो फिर वो उसको जो है ना माफ करेगी और कोर्ट उसको खुला ग्रहण कर देगी। ठीक है। अच्छा अगर इसी तरह ही अगर वापस रुजू करना चाहते हैं तो क्या खुला में रुजू हो सकता है? देखें अगर इसी दौरान खुला की डिग्री हो गई है और क्योंकि जो कोर्ट की जो खुला होती है वो एक तलाक कहलाती है, उस सूरत में यह है कि अगर डिग्री उसके बाद खुला कन्फर्म नहीं हुई यानी यूनियन काउंसिल के अंदर उसको जो है ना अप्लीकेशन नहीं दी गई कन्फर्म नहीं किया गया, उस सूरत में अगर दोनों मियां बीवी आपस में कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो वो कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वहाँ से परमिशन लेंगे और कोर्ट के अंदर राजीनामा दाखिल करने के बाद उसकी कापी यूसी में जमा करेंगे या यूसी के अंदर कंप्रोमाइज करके जो है ना उसकी कापी लेकर कोर्ट में सबमिट करेंगे क्योंकि हमने रिकनसाइल कर लिया लिहाजा इस डिग्री को जो है ना सेटिसफाइड किया जाए उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, तो उस सूरत में जो है ना इनका कंप्रोमाइज हो सकता है। अच्छा और अगर तीन दफ़ा जो है जिस तरह उन्होंने अटेंडेंस लगा दी और हस्बैंड नहीं रुजू करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब फिर तलाक हो जाएगी? तो डेफिनेटली जब उसने कोर्ट से डिग्री ले ली और उसके बाद कोई रुजू का कोई वो नहीं है और यूनियन काउंसिल ने भी उसको कन्फर्म कर दिया फिर वो इद्दत का पीरियड गुजारने के बाद वो लड़की आज़ाद है, वो अगर चाहे तो अपनी दूसरी शादी कर नहीं तो फिर वो अगर इद्दत से पहले वो रुजू करना चाहते हैं तो हो सकता है, उससे पहले जो है कम्प्रोमाइज हो सकता है, यूनियन काउंसिल के स्ताबे भी हो सकता है, कोर्ट के अंदर भी हो सकता है, वो दोनों जो है दोबारा जाके जाना वो अपना खुला में ये चीज हो सकती है कि रुजू दोबारा से हो सकता है। ओके अच्छा अब बात करेंगे हक महर के, अगर डिवोर्स में जिस तरह अगर हस्बैंड डिवोर्स देता है और वो हक महर नहीं देता तो इसके हवाले से भी दूसरा एक सवाल है जो क्विकली आप जवाब दे दीजिएगा कि बिला वजह जो तलाक दी जाती है उस पर क्या कोई पेनल्टी लगती है? देखिए उस समय ये होता है कि देखिए अगर निकाह में के अंदर हक महर लिखा हुआ है बिल पर बीवी का 2 लाख रुपए और शोहर ने वो हक महर नहीं दिया और उसको डिवोर्स दे दी तो वो शोहर हक महर देने का पाबंद है कि वो बीवी को जो है हक महर दे, अगर वो नहीं देता तो बीवी कोर्ट के जरिए ले सकती है। इसके अलावा निकाह नामे के अंदर अगर कोई खास शर्त लिखी हुई है कि शोहर बिलावजह
अपनी बीवी को तलाक देता है बगैर किसी रीज़न के, उस सूरत में भी जो है ना वो अपनी बीवी को हक मेहर के साथ साथ जो है ना वो जुर्माने की रकम देने का पाबंद है, अगर वो नहीं देता तो कोर्ट से बीवी ले सकती है। ठीक है, ओके। और ये जो है बिला वजह तलाक का कि वो जो है अच्छा, ओके, सही है, ठीक है। अब हम कॉलर्स का सिलसिला शुरू करेंगे और कॉलर से बात करेंगे। लाइंस हमारी ओपन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं नवीद बात कर रहा हूँ। जी नवीद, अगर शोहर अपनी बीवी को तलाक दे और उसके बाद दोबारा शादी करना चाहे तो कानूनी कार्रवाई क्या होगी? ठीक है, अगर शोहर अपनी वाइफ को तलाक दे चुका है तो क्या दोबारा शादी कर सकता है? देखें, जब उसकी डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स होने के बाद इस्लामी प्रोसेस तो यह है कि सबसे पहले तो वो फतवा लें, अगर फतवे के अंदर कोई गुंजाइश निकलती है तो ठीक है, पता नहीं उसने गुस्से की हालत में दी है या उसको एक डिवोर्स दी है वो तो बेहतर ज्यादा, लेकिन अगर उसने उसको तीन दफ़ा तलाक दी है उस सूरत में जो है ना फिर लड़की दोबारा निकाह करेगी किसी और शख्स के साथ, वहाँ से वो तलाक लेगी, तलाक लेने के बाद इद्दत के पीरियड गुजारेगी, फिर दोनों मियाँ बीवी का दोबारा निकाह होगा और वो दोनों जो है ना मियाँ बीवी एक हो सकते हैं और दोबारा वो रह सकते हैं। अच्छा जी, सही, ठीक है। अब एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फारूक बात कर रहा हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपका आवाज आ रही है? जी मैं फारूक बात कर रहा हूँ। जी फारूक जी, मेरा सवाल ये है कि अगर औरत अगर मर्द से खुला ले ले तो जो शरायत लिखी होती है निकाह नामे में, तो औरत पाबंद है उसको लेने की? जी बिल्कुल, जो शरायत निकाह नामे के अंदर अगर हक भर शोहर ने नहीं दिया तो वो भी उसको देने का पाबंद है, और अगर कोई ख़ास शरायत लिखी हुई है जैसे बिला वजह डिवोर्स देना या अगर उसको कोई मकान वगैरह लिख कर दिया हुआ है तो उस सूरत में जो है ना वो बीवी बिल्कुल हकदार है, शोहर से वसूल कर सकती है। अगर शोहर उसको ऐसे नहीं देता है तो कोर्ट के ज़रिए भी जो है ना जाके केस करेगी और केस करने के बाद जो है ना वो तमाम चीज़ें जो है ना अदालत उसको दिलवाएगी जो निकाह नामे में लिखी हुई है। ऑलराइट, ठीक है। अभी एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज क्लियर आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा। जी जी, अब आ गया। मेरा नाम मेहरान है। मैम मेरा सवाल ये है कि अगर शोहर किसी बिना किसी वजह से बीवी को तलाक दे दे तो मर्द पे निकाह नामा की शरायत पूरी करने का पाबंद है? ठीक है, ओके जी, सवाल बता दीजिए। शोहर एक दफा फिर आप बताइएगा। हेलो, आप मौजूद जी? जी जी जी, मैं मौजूद हूँ। अगर शोहर बिना किसी वजह के तलाक दे दे जी जी, तो उस पे मर्द पे निकाह नामे की शरायत पूरी करने का पाबंद है? अच्छा जी, शरायत जो लिखी, जो हमने वही वाला सवाल जो किया था, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हमें ये कि बिना वजह तलाक अगर देता है तो उसके लिए जो शरायत जो है वो लिखे हुए हैं जो वो उसका पाबंद होता है? जी बिल्कुल पाबंद होता है। देखिए बात ये है कि वैसे तो शरायत में क्या अगर घर भी लिखा हुआ होगा तो भी देना पड़ेगा? लिखा है, अगर उसमें जुर्माना लिखा है तो वो बिना वजह डिवोर्स का या उसको घर लिख कर दिया हो तो वो तमाम चीज़ें जो निकाह नामे के अंदर शरायत करना लिखी हुई है चाहे जो भी चीज़ हो वो शोहर उसको देने का पाबंद है। अच्छा अच्छा, ये जो निकाह नामे की जब बात आती है तो जिस तरह ये इसमें शरायत लिखी हुई होती है तो अक्सर निकाह नामा जो है वो जो है लड़की के घर वालों को नहीं दिया जाता, वो अपने पास ही रख लेते हैं, तो क्या अदालत तलाक के टाइम पर निकाह नामा मांगती है? देखें पहले बात तो ये है कि निकाह नामा जो है ना उसमें चार पर्त होते हैं और एक पर्त जो होता है वो यूनियन काउंसिल का होता है और एक काजी के पास होता है और जो दो पर्त होते हैं एक लड़के का होता है एक लड़की का होता है। अगर शादी होती है तो सबसे पहले आप काजी से निकाह के बाद आप उसकी जो है ना तकाजा कर सकते हैं क्योंकि काजी के पास लाइसेंस होता है, वो फीस लेता है, वो निकाह नामा देने का पाबंद है। अगर शादी के बाद भी वो निकाह नामा नहीं देता तो आप अपने वकील के जरिए उसको लीगल नोटिस दे के भी उससे कॉपी मंगवा सकते हैं। अगर जो है वो नहीं दे रहा तो सूरत में उसके खिलाफ आप कंप्लेन भी कर सकते हैं थाने के अंदर कि इस काजी ने मेरा निकाह पढ़ाया और मेरा निकाह नामा जो है मुझे उसकी कॉपी नहीं दे रहा, वो काजी पाबंद है आपको निकाह नामा दे। जहाँ तक आपने कोर्ट में खुला का केस फाइल करने की बात की है तो जहाँ पर लड़की के पास निकाह नामा अवेलेबल नहीं होता है तो हम उसके साथ एक बयान हल्फी लगा देते हैं कि मेरा निकाह नामा जो है ना वो शोहर के पास है और लिहाजा जो ना मुझे नहीं दे रहा है तो मुझे कोर्ट उस पर एग्जेम्प्ट कर दे और मुझे अलाउ कर दे मैं केस को दाखिल करूँ, तो कोर्ट उस सूरत में अलाउ कर देती है, आपका केस उसमें रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, सही है। और इसी तरह जो है काफ़ी सारे शरायत जो होते हैं वो निकाह नामे में लिखे होते हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि जब भी वो निकाह करें तो उस वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें
कि एक तो निकाहनामा आपके पास, लड़की वालों के पास, लड़के वालों के पास होना चाहिए, दूसरा जो उसमें शरायत लिखी होती है वो चाहे तो जो शरायत वो लिखवाना चाहते हैं मुश्तरका तौर पे एक दूसरे की रजामंदी से शरायत आप ज़रूर लिखवाएं। अच्छा जी, एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे? मैं अहसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी अहसन जी, मैडम मेरा सवाल ये है कि अगर शौहर बीवी से तलाक ले ले और बच्चे भी उसके साथ ले ले तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, मतलब कानूनी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, ओके जी। बच्चों की उम्र के हवाले से मेरे ख्याल में होता है फिर कुछ? देखें, बच्चे अगर वो ज़बरदस्ती ले जाता है और बच्चे कम उम्र हैं और वो छोटे हैं तो माँ उन बच्चों को दो सूरतों में ले सकती है। एक सूरत ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो है ना 491 की पिटीशन दाखिल करें कि मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरे शौहर ने जो है उनको छीन लिया है और वो जो है ना मेरे पास नहीं आने दे रहा। उस सूरत में जो है ना कोर्ट उसको पुलिस के जरिए बच्चों को बुलवा के माँ के हवाले कर देती है, क्योंकि माँ का एक राइट ऑफ हजानत होता है जो बच्चों को दूध पिलाती है, और छोटे बच्चे जो है वो हमेशा माँ के पास रहते हैं और माँ बच्चों की देखभाल सही तरीके से करती है। उसका जो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर बच्चे कुछ बड़े हैं और वो बच्चे बाप के पास हैं और जो है ना उसको नहीं देना चाह रहा, उस सूरत में जो है ना गार्डियन कोर्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, उसमें सेक्शन 25 गार्डियन वार्ड का फैमिली सूट फाइल करके कोर्ट बच्चों की मीटिंग भी माँ से करवा सकती है और साथ साथ जो है ना उन केस चलने के बाद जो है ना बच्चों की कस्टडी माँ को मिल भी सकती है। ओके, सही है, ठीक है। इसी के साथ ही इस तरह हो जाता है कि अगर जो है माँ जो है अगर बच्चे जो है वो बड़े हो चुके हैं तो फिर भी क्या माँ केस करके बच्चे ले सकती है या नहीं? देखिए, माँ बिल्कुल मीटिंग तो उसको कोर्ट करवाएगी। अब अगर बच्चे जो है ना ज़्यादा बड़े हैं या माँ के पास रहने की जगह नहीं है और बच्चों की सही तरीके से कफालत माँ नहीं कर सकती और बच्चों की वेलफेयर बाप के पास है, बाप पैसे वाला है, उनकी सही तरीके से देखभाल भी कर रहा है, उसको तालीम भी दिलवा रहा है, तो उस सूरत में यह है कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी और वो जो है माँ बच्चों से मिलती रहेगी। अच्छा, इसी तरह वाइस वर्सा भी हो सकता है कि माँ के पास पैसे हों और बाप के पास नहीं हो तो माँ जो है केस जीत सकती है, ले जा सकती है? बिल्कुल, कोर्ट ने देखनी होती है बच्चों की वेलफेयर में ना कि बच्चों की वेलफेयर बेहतर तरीके से कौन कर सकता है, उसमें बाप के पास अगर पैसे नहीं है, वो उनकी तालीम उनकी बेहतर नहीं हो रही, उनकी कफालत बेहतर नहीं हो रही है, तो जो है ना बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो माँ पैसे वाली है, उसके हालात ठीक हैं, उसकी फैमिली सपोर्ट अच्छी है, वो बच्चों को तालीम बेहतर तरीके से दे सकती है, एक अच्छे स्कूल में तालीम दे सकती है, उस सूरत में जो है ना कोर्ट बच्चे माँ को दे सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का भी नाज़रीन हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, यकीनन आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर आप मज़ीद कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर फीडबैक दें और हमें आप सवाल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर हाज़िर होंगे। नाज़िया मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।